महंत सुरेंद्र जी महाराज के सानिध्य में लाल बाबा आश्रम सतीघाट बक्सर की पावन धरती पर जगतगुरु रामानुजाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के मुख से चल रही राम कथा के विश्राम दिवस के दिन भरत चरित्र की कथा इतनी भावपूर्ण रही कि सारे श्रोता अधिकांश समय आंसू भरी आंखों से कथा का श्रवण करते रहे। जब तक भरत चरित्र का प्रसंग चलता रहा, श्रोता भावपूर्ण श्रद्धा से आंखें नम कर बैठे रहे। महाराज जी ने बताया कि भरत जी शत्रुघ्न के साथ अपने पिता राजा दशरथ के स्वर्गवास के बाद लौटे तो पिता की मृत्यु और अपने प्यारे अग्रज राम के वनवास के पीछे अपनी मां कैकेयी को कारण जानकर उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने अपनी मां को पापिनी तक कह डाला और गुरु वशिष्ठ कौशल्या मंत्री सुमंत और सारी प्रजा के द्वारा राज्य सिंहासन पर बैठने के आग्रह को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर राम को मनाने चल पड़े। अयोध्या वासियों ने उनकी जय जयकार की और गुरु वशिष्ठ तथा अपनी तीन माताओं सहित पूरे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे हो लिए। ऐसे में देवताओं के बीच हाहाकार मच गया कि यदि भगवान प्रेमवश पुनः अयोध्या लौट गए तो राक्षसों का वध कैसे होगा और देवताओं का कल्याण कैसे होगा। देवताओं के आग्रह पर सरस्वती भगवती ने मंथरा की बुद्धि पलट दी। मंथरा ने कैकेयी को तर्क से प्रभावित कर कैकेयी से राम के लिए वनवास मांगा था तो देवता हर्षित हुए थे, अब फिर दुखी हो गए और सरस्वती से भरत की मति पलटने का आग्रह कर रहे हैं तो सरस्वती ने उन्हें झटक दिया। चित्रकूट में भरत और राम के मिलन की संगीतमय प्रस्तुति ने श्रोताओं को झकझोर कर रख दिया। कथा को संक्षेप में कहते हुए आचार्य ने भगवान श्री राम का राजरोहन कराया और बधाई गीत गाई तो श्रोता झूम उठे। पिछले 8 दिनों से लगातार चल रही कथा ने पूरे बक्सर नगर को राम रस में भिंगो दिया। महंत पंडित सुरेंद्र तिवारी ने आगे के कार्यक्रमों की जानकारी दी। तो हम लोग परसों दिन से यानी 81 को रविवार को यहाँ कीर्तन होगा, अखंड कीर्तन, और द्वादशी को सोमवार 8 तारीख को भंडारे का कार्यक्रम है जिसमें पूरे नगरवासियों को आकर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि राम कथा और हरि कीर्तन का प्रसाद जो होता है वो खाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए प्रसाद सभी लोग अगर पाएंगे, सारा व्यवस्था हो गया है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, केवल सारे भक्तों को यहाँ आकर के प्रसाद ग्रहण करना है। तो कहा जाए कि पूर्ण होगी, कब होगी? जी परसों रविवार को शुरू होगा अखंड हरि कीर्तन और सोमवार को पूर्णावती के साथ भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी सुरेंद्र तिवारी, महंत लाल बाबा आश्रम, सतीघाट, बक्सर। बक्सर से पब्लिक वाइब के लिए चंद्रकांत निराला। अरे होली में लाल होली में, होली में लाल होली में, होली में लाल होली में, होली में होली में लाल होली में, मर खोए गयो, मर खोए गयो, मर खोए गयो बाजू बन रसिया।